स्केलेटन को बुलाता है लॉर्ड और गाइस हम फाइनली आ चुके हैं दुनिया का सबसे बड़ा रावण जो भी बन रहा है द्वारका सेक्टर 10 में। 211 फुट का रावण है ये वेलवेट वो भी भाई साहब भाई पूरा लोहा ही लोहा है ये देखो इधर आओ पूरा लोहा है पूरा लोहा लोहा ही लोहा बड़ा हुआ इन्होंने तो भाई साहब पूरा लोहा है पूरा लोहा है जैसे देखो इधर ये इतना बड़ा मुंह है ताज इतना बड़ा मुंह भाई ये तो वो तारपुर और दार्डन जितना भी बड़ा है भाई और ये देखो इतना बड़ा ताज ओ माय गॉड बहुत बड़ा भाई मजा आ रहा है भाई वर्थ इट है इधर आना भाई आपका YouTube चैनल है क्या नाम है मेरा तेरा फैमिली लॉट कितने सब्सक्राइबर है आपके 1000 आपसे मैंने तो अभी जन्म लिया मैंने अच्छा आपका क्या नाम है ओ इट्स है यार ओ इट्स है भाई इधर देखो मोदी को इनवाइट करा रहा है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा अच्छा मोदी नरेंद्र मोदी तो भी बोल रहे हैं वो तरह इनवाइट करा बेटा उसको अगर आएगा कि नहीं आएगा इनवाइट करे लेकिन पता नहीं है आएगा या नहीं आएगा गाइस पापा से तो ऊंची कर लो हाँ गाइस से देखो इतना ऊंचा रावण है मैं उधर जाता हूँ ओ माय गॉड हेलो गाइस मेरे हाथ देख रहे हैं हेलो यू कैन सी ये रहा मैं बहुत बड़ा रावण है ओ माय गॉड ओ बहुत बड़ा है गाइस बहुत बड़ा है भाई उधर से देखो उधर से पूरी आंखें दिख रही है आइस गाइस आज हम द्वारका में खड़े हैं और कभी हमने सोचा नहीं था कि हम इतना बड़ा रावण इतना बड़ा दशहरे पे इतना बड़ा रावण देखेंगे क्योंकि अधिकतर लोग जो दिल्ली से जाकर के चंडीगढ़ देखते थे इतने बड़े रावण का दशहरा तो आज मौका है दिल्ली के द्वारका में आकर के सेक्टर 10 में आकर के 211 फुट बड़े रावण का दहन देखने का तो इसको मिस मत करें ज्यादा लोग यहां पर आए इस अद्भुत कलाकारी को देखें बहुत मतलब कि कहना और बयान करना बहुत मुश्किल है आप सब आइए और ध्यान से देखिए मतलब कि इतना बढ़िया ये बनाया गया है एक चीज मुझे और पता चली इतना मतलब कि लोहे के लकड़ों का सब तरह का सब कुछ है और इन्होंने ये लेवी नहीं लगाई नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री लेवी नहीं लगाई इन्होंने कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आए यहाँ पर बड़े तो बड़े और दहन करें उनकी शुभ हाथों से बहुत ही बड़ा रावण है मीटर की बात करें तो कम से कम मान के चलो कि ये 207 मीटर प्लस है और इसको अगर मैं फुट में बात करता हूँ तो ये 211 फुट है तो ये इतना बड़ा सा हाथ है इतनी बड़ी ये अच्छा ये हाथ है मुझे लगा छाती है अपने आप से अंदाजा लगा सकते हैं और इस वैसे मैं ये बता दूं चाहता है और पहली बार मौका होगा हिंदी में इतना बड़ा रावण रस्सी बांधी हुई है वो भी रस्सी बांधी हुई है वो भी मोटी वाली लकड़ी का काम है लोहे का काम है बिल्डिंग बनी थी सरिये का उसको ढांचा बनाया गया है और पापा अब दाई अब पापा दाई गाइस तो पूछवाए भैया से ये देखिए ये वो राम मिला है ये वो राम मिला है जो हम लोग देख रहे हैं राम मंदिर बनाया पूरा प्रॉपर पूरा बना रहे हैं दिया जा रहा है जैसा कि अब अयोध्या में मंच को और ये गेट भव्य गेट बनाए गए हैं एंट्री गेट भाई गेट क्या बढ़िया लग रहा है कितने जबरदस्त भव्य गेट है ये चारों तरफ के इस तरह की गेट आपको दिखाई देंगे जैसे हम अभी आगे चल के दिखाते हैं आपको देखिए भव्य गेट इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है भव्य मंच रहने वाला है बहुत बड़ा ग्राउंड है काफी लोग यहाँ आने वाले है
प्लीज ये बच्चे और आम पब्लिक सब के लिए। और गाइस बच्चों तेरी अच्छी बात है, इधर मेला लग गया। ओए 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 बंदर पाव बंदर पाव। ये भी और आम भी और सब के सब। और देखिए विशाल रावण कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। और उससे हाथ पैर देते हैं सीधा रहा मतलब लाते हैं तलवार बैक साइड तलवारों की तलवार देखते हैं तलवार है। वो दी तो आइस और वो दी तो आइस दिख रही है, आइस आइस दिख रही है, वो आइस दिख रही है और फेस दिखाई दे रहा है, प्रॉपर फेस दिखाई दे रहा। अभी थोड़ा सा वो पेंट गीला हुआ, मेकअप किया रावण का, पेंट किया हुआ तो गीला है, कल तो ठंडा हो जाएगा से, मुझे तो लग रहा है ठंडा हो जाना चाहिए, कल तलिया पर तो आ जाएगा। ये नहीं बहुत अच्छी तरह की है फ्रंट पे। और भाई ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, जूते भी नहीं, जूतियां जूती भाई ओ भाई साहब, भाई ये मेरी हाइट से भी नहीं है, ये हमारी हाइट से भी नहीं है, पापा की हाइट भी नहीं आ रही, लाओ दस पापा तो दिखा दो, देखो मेरी हाइट से भी बड़ा वैसा जूता है, नहीं से देखो जूता मेरी हाइट से बड़ा है। ओ भाई लाओ भाई एरोप्लेन आओ, ये बहुत रौनक होने वाली है यहाँ पर। ओ भाई साहब अच्छा ये भी ये लाते लाते ढाल दे तो ढाल ढाल प्रॉपर वो लाइटे सजाने के लिए लाइटे लगा रखी है। ओ भाई मजे रावण की इस पर भी है, इस पर भी है रावण के कुछ पीसेस बनाए हैं जिसको इस पर लगा करके सजाया जाएगा रावण को लाइट में। भाई ये धोती वाली लाते बनाई है पूरी, और ये लतड़ी वाला रावण है मेतना तुम तो अंदर क्या पड़ा हुआ है वो इतना बड़ा, कमाल की बात है। आओ देखते अंदर भी अलग अलग सारी चीजें बनी हुई है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, नीचे तारे और कुछ भी है कुछ खाते है भाई। वो देखो मुंह पड़े हुए है पच्चीस की टीम रहेंगी। नमस्ते जी, नमस्ते, नाम बताएंगे अपना? नाम चौहान है, तेजिंदर चौहान जी। हाँ जी, हमने बड़ा नाम सुना आपका जी, और अभी काफी बड़े बड़े जो रावण को सजाया आपने, हमने देखा काफी लोगों की वीडियो में, हम भी इसलिए आए कि हमें आपसे मिल सके और रावण के बारे में जान सके, क्या खासियत है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप वीडियो बनाने के लिए आए रावण के भी और साथ में हमारे भी। खासियत ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला इस बार आपकी दिल्ली में बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 211 फीट है। इसको बनने में लगभग 4 महीने का टाइम लगा, और यहाँ की जो संस्था है द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी, उसने 35 लाख रुपए के करीब इस पे खर्च किया है, और रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसका दहन होगा, इको फ्रेंडली आतिशबाजी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और कहते हैं इतना विशाल रावण मतलब क्या सब कैसे प्लानिंग हुई कि मतलब हमेशा चंडीगढ़ में सोना बनता था? जी हाँ, वो मैं ही बनाता था वहाँ पे। तो यहाँ की संस्था ने संपर्क किया, हमें बुलाया यहाँ और हमें सेवा का मौका दिया, हम दिन रात लगे हुए हैं। मैं सोच रही बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली वालों को भी एक मौका मिला है कि इतना बड़ा रावण देखने का, यहाँ पर अवसर मिलेगा कि ये जो चंडीगढ़ जाते थे या चंडीगढ़ नहीं जा पाते थे
तो वो दिल्ली में आता, दिल्ली के लोग अच्छे थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली वाले दिल वाले लोगों के लिए ये हमने जो भी हमें टूटा फूटा काम आता है वो पेश कर दिया है। आपका बहुत धन्यवाद जो हमने आपका शुक्रिया निकाला और यहाँ पर आकर के हमने इस तरह का दिल्ली वालों के लिए संपन्न किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद जनाब। वैसे अभी ये कब तक खड़ा होने की उम्मीद है कि कब तक लग जाएगा रावण? आज रात तक वैसे उम्मीद है, वैसे कल पे भी जा सकती है बात, अभी कुछ काम अनकम्प्लीट है, अगर वो आज टाइम रहते हुए कम्प्लीट हो गया तो आज खड़ा करेंगे इसको रात किसी वक्त। तो नहीं ये कलाकारी बहुत, मैं देख रहा हूँ ये जो पीस कट हुए हैं और काफी सजावट की तैयारी चल रही है, सजावट के लिए ही चल रही है सारी। अभी जरा लंच टाइम करने के लिए गए लंच बच्चे सारे। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपका धन्यवाद। उस टेंट में भी है अभी तो। ओ भाई पीछे चीजें बनी हुई है, नहीं क्या है भाई सजावट के लिए? अच्छा ताज तली हुई थी शायद से, ठीक है देखते हैं क्या पूछते हैं। ताज को लगेगा इस ताज के ऊपर लगेगा, और ये छतरी उसके ऊपर पीछे की मॉडलिंग लगी हुई है वो पर लगेगी जिसे पूरा सजाया जाएगा इसको। और ये मतलब छोटे पुतले हैं मेघनाथ के और कुंभकर्ण के, लेकिन जो इस बार का जो दुशहरा है वो देखने योग्य होगा द्वारका सेक्टर 10 के अंदर। पहले तो मुझे लगा कि लोग फेक वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा तो चंडीगढ़ में होता है, लेकिन नहीं आज ये हकीकत है कि आज ये द्वारका में भी होने जा रहा है, पूरा वही है। और प्रॉपर चीजें बना रखी हैं, बहुत सुंदर लग रहा है रावण। आप देख रहे होंगे कि किस कैमरे के अंदर पूरा नहीं आ रहा हुआ, इस कैमरे को भी पूरा घुमाना पड़ता है तब जाकर के इसमें पूरा दिखाई देता है, इतना बड़ा रावण है। अभी इसके पैर जुड़ेंगे, इसके डेकोरेशन होगी, काफी सारी चीज लगेंगी, जैसे सुनने में भी आया कि कल तक रावण ये आज रात को तक खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि चाहते हैं ये भी चाह रहे हैं कि इनकी जो मेहनत है वो रंग लाए और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आए, अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुंचे इतने बड़े रावण का दहन के वक्त। ये हमारे लिए गर्व की बात है दिल्ली वालों के लिए कि चंडीगढ़ में जो दुशहरा मनाया जाता था आज वो वही रावण दहन दिल्ली में होगा। जय श्री राम। हाँ सारा कपड़ा वेलवेट का लगाया है, एक से एक बढ़िया क्वालिटी का लगाया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, हम ये कह ही नहीं सकते कि किसी कमी है। रावण तो रावण ही है, लेकिन रावण को बता देना पड़ेगा, रावण चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, रावण को एक बात बता देनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि रावण जितना मर्जी बड़ा हो जाए उसने गिरना तो धरती पे ही है राम के चरणों में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन जो भी कहो तलवार भाई ये तो नहीं, नहीं उससे भी तो बड़ी हुई थी। हाँ बहुत बड़ी हुई थी, बहुत बड़ी है चौथी इसके तलवार की हाइट होगी, बहुत बड़ी है चौथी तलवार। कमाल कर दिया उन्होंने इस बार ये द्वारका, ये जो ये रामलीला कमेटी सोसाइटी है इन्होंने दिल खोल के खोल दिया और 4 महीने से रावण बन रहा है। 4 महीने भाई वो अपना दिल हम अपने लोग अब वीडियो बना रहे हैं, देखिए 4 महीने से काम चल रहा है रावण का और इसके अंदर ये मान के 35 लाख रुपए बता रहे खर्चा आया है इस विशाल रावण के अंदर 35 लाख रुपए का खर्चा। तो आप सोचो कि जब ये रावण चलेगा और ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगा रखा है अंदर, पहले तो बम जल, तो जब ये जब ये जब ये जलेगा और बम सब लगेंगे तो चीज लगेगी तो कितना शानदार होगा, जब का ध्यान होगा तो देखने देखने लायक होगा कि क्या सही रावण चल रहा है। अभी का ब्लॉग हम लोग अभी का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं और जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी रावण खड़े कर दिया जाएगा और आगे की जो भी जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे और हमारे साथ वीडियो बने रहना हमेशा के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स में बताना कुछ कमी रहेगी वीडियो बनाने में या कुछ अपडेट करने में। तो ये सेक्टर 10 है द्वारका में हम खड़े हैं,
मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो स्टेशन पड़ता है, 11 सेक्टर 11 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में पड़ेगा। वहां से आप बिल्कुल पैदल भी आ सकते हो और वॉकिंग डिस्टेंस है, और आप रिक्शा भी ले सकते हैं, सब तरह की सुविधाएं हैं। तो प्लीज गाइस आप जरूर यहाँ पर आए, यहाँ की रामलीला देखिए, एक भव्य रामलीला है, यहाँ पर एक भव्य रामलीला होती है जो देखने योग्य है। मंच बहुत बड़ा है और पूरा राम मंदिर बनाया जा रहा है। गाइस ये बच्चा कह रहा है कि एक बार हमने ऊपर से देखना कि कैसा लग रहा है रावण का फेस, क्योंकि रावण का फेस किसी का क्लियर नहीं आ रहा। तो वैसे यहाँ और भी काफी सारे लोग आए हुए हैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए। गाइस देख लो कितना बड़ा मैदान है, ये कमाल है। अभी भी नहीं दिखा वो।